नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। भारत में कोरोना वायरस के मद्देनजर हुए लॉकडाउन से प्रवासी मजदूर बहुत परेशान हुए हैं। हालात यह है कि हर दिन कोई ना कोई घटना में यह प्रवासी मजदूर अपनी जान गंवा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जान गंवाने वाले हर मजदूर के परिवार को 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लगातार प्रवासी मजदूरों के परिजनों की मदद कर की है। वे प्रवासी मजदूर को सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के औरैया में हादसे के दौरान 23 मजदूरों की जान गई थी। उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन प्रवासी मजदूरों के परिवारजनों को 1,00,000 रुपए देने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी जान गंवाने वाले हरेक मजदूर के परिवार को 1,00,000 की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार पीड़ित प्रवासी मजदूरों को मदद कर रही है। बता दें कि कोरोना आपदा काल में जान गंवाने वाले किसी भी श्रमिक, चाहे वो किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, यदि यूपी में हादसे के दौरान उसकी मृत्यु हुई है तो समाजवादी पार्टी मृतक आश्रित परिजनों को 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद देने में कटिबद्ध है। अखिलेश यादव जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो भी मजदूर, चाहे कोई भी राज्य का हो, उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 1,00,000 रुपए की सहायता समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश यादव जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था और हमेशा ट्वीट कर बता रहे योगी सरकार को कि आप भी 10-10 लाख रुपए देने की कश्ती करिए। आप अपने उत्तर प्रदेश में अगर जान जाती है तो सहानुभूति हमारी होनी चाहिए उनके साथ। दोस्तों, अखिलेश यादव हमेशा गरीबों, पिछड़ों के साथ है और रहेंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों नमस्कार।